Let us start third lecture of carbon and its compound. I hope आज जितने भी बच्चे मेरे पास है वो सारे last lecture में भी थे, ठीक है? तो आज मैं revision type का कुछ नहीं करा रही हूँ. So today we are starting. जैसे हम start करते हैं, ठीक है बच्चे? All right. हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को last class में समझाया था saturated hydrocarbon and unsaturated hydrocarbon. बच्चे हम इसे hydrocarbon क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर hydrogen भी तो होता है. Carbon अकेला है क्या? Carbon अकेला नहीं है भाई, carbon सबके साथ चलता है. किसके साथ चलता है? Hydrogen के साथ चलता है. किसके साथ चलता है? समझ में आई बात? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट. व्हेन ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट. आज की क्लास में कुछ एडवेंचरस करना है, पक्का करना है? चलो ठीक है, आज हम कुछ एडवेंचरस करेंगे. व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एब्सेंट इन टुडेज क्लास. तो आज हम कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है? ओनली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट एंड हियर क्या प्रेजेंट है? डबल भी होता है एंड ट्रिपल भी होता है. डबल भी होता है और ट्रिपल क्या? कोवेलेंट बॉन्ड. क्या? कोवेलेंट बॉन्ड होता है बच्चे. आई बात समझ में? ओके, अब होता क्या है, प्लीज यहां पर ध्यान दो, नजरें सारी ठीक है बोर्ड के ऊपर. ओके, होता क्या है बच्चे, आपको बताया ही था सी सिंगल बॉन्ड सी, ठीक है? और बाकी सारे किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन से. बाकी इसकी कौन कमी पूरी कर रहा है? हाइड्रोजन. हाइड्रोजन इसका क्या है? बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? और यहाँ पे कितने आएंगे बच्चे? डबल भी आएगा, यानी कि आपका कार्बन कार्बन के साथ ऐसे भी जुड़ा होगा और कार्बन कार्बन के साथ तीन बॉन्ड के साथ भी जुड़ा हुआ होगा, ठीक है? तो ये आपका क्या बनाता है? दो हाइड्रोजन. और ये आपका बनाता है दो हाइड्रोजन. यहाँ पर सिंगल एक हाइड्रोजन सिमेट्रिकल बनाना है तो थोड़ा लीनियर बना दो. आई बात समझ में? ये क्या है? अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. जिस चेन में कभी सिर्फ, और बच्चे इसे हम क्या बोलते हैं, मैंने इसका नाम बताया था आप लोगों को, इसको बोलते हैं हम ईथेन. इसे हम क्या बोलते हैं? ईथेन. इसे हम क्या बोलते हैं? ईथीन. और इसे हम बोलते हैं ईथाइन. इसे हम बोलते हैं ईथाइन. इज दिस क्लियर? ठीक है, तो अब ये हमारा बच्चे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. हम तूफानी करने के लिए कुछ तो तूफानी लाए हैं, ठीक है? आग लगने के बहुत सारे इंसिडेंसेस हो रहे हैं. नहीं, ये कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट है, ठीक है? कुछ भी हो तो पानी वानी फेंक देना यार, ठीक है? ओके, आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है? इथेन ये होता है अनसैचुरेटेड. बच्चे एक बात याद रखना, ये जो आपका हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये हमेशा हाइड्रोफोबिक होते हैं. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोफोबिक. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोबिया? स्टडी का फोबिया, फियर. फियर डर लग रहा है ना, एग्जाम फोबिया, ठीक है? तो वाटर फोबिया, हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डर, ठीक है? बच्चे आप जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जलाते हो तो उसकी फ्लेम कैसी आती है? कैसी फ्लेम आती है उसकी? कैंडल ले ले क्या? हाँ, कैंडल ज्यादा बेटर रहेगा ना. यस, नहीं कैंडल. ओके चलो भाई. ओके, तो इट्स एक्सपेरिमेंट टाइम, ठीक है? तो लेट अस सी, इससे जो फ्लेम जल के आई है, ये कौन से कलर की है? येलो कलर की है. मतलब ये क्या है आपका, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ये आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है? तो दिस इज योर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है? अगर मैं इस ग्लास पे, ओके, इसको, ओ ये पानी वाला ग्लास है, ओके, इसको अभी रख दो, मैं अभी गिराई देती इस पे. इज दिस क्लियर? नहीं नहीं अभी नहीं, उसे अभी रख दो नीचे, ठीक है? अगर इस कैंडल को इस ग्लास पे हम ऐसे करेंगे,
तो क्या होगा? कैन यू सी दिस सम ब्लैक ब्लैक? क्या है ये ब्लैक ब्लैक? ये हमने इस पे क्या कलेक्ट कर लिया? ये हमने इस पे क्या कलेक्ट कर लिया? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपका, और आपने देखा है अगर यहीं पर अगर ये ब्लू कलर की फ्लेम होती तो क्या इतना काला काला होता? नहीं। ये येलो फ्लेम आपका कौन सा है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड है? ये आपका अनसैचुरेटेड है। और ये किसकी वजह से आया है? डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आया है। ये कौन से कलर की फ्लेम देता है? और ये काला भी कर देता है। ओके, इज दिस क्लियर? अब हमें ये भी देखना है कि हाइड्रोफोबिक होता है या नहीं होता। ठीक है, लेट अस सी। अगर मैं इसके ऊपर ये पानी के एक ड्रॉपलेट डालते हैं, यहाँ पर लेते हैं थोड़ी सी पानी की ड्रॉपलेट, और अगर मैं पानी की ड्रॉपलेट अगर इधर डालती हूँ सी, ठीक है, पानी की ड्रॉपलेट ग्लास से चिपक रही है, चिपक रही है, जैसे आती है वैसे ही आती है, जैसे आती है वैसे ही आ रही है। लेकिन यही पानी की ड्रॉपलेट अगर हम कुछ इधर डालें, इसके ऊपर ध्यान से देखना, एकदम से मूव कर गई, देखा नहीं देखा? ठीक है, एकदम से मूव कर गई। क्यों एकदम से मूव कर गई? क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है, और ये आपका क्या है? हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन इज ऑलवेज हाइड्रोफोबिक। समझ में आया? ठीक है, अब पहले तो फैन ऑन कर लेते हैं। तो अभी हम लोगों ने बच्चे क्या देखा? इज इट ऑन? या ठीक है, अभी हमने क्या देखा? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। येलो फ्लेम कौन देता है? Unsaturated. है ना? और सैचुरेटेड कौन सा होता है? Blue. जो हमारी गैस में जलती है। अब वो लाके मैं नहीं दिखा सकती। क्या बच्चे? सीएनजी बच्चे वो आपका क्लीन फ्लेम देगा, वो कोई डस्टी गैस नहीं है। ठीक है, वो क्लीन फ्लेम देता है। इनफैक्ट जो सीएनजी होता है ना, नेचुरल गैस है ना, नेचुरल गैस आपका मिथेन होता है। अगर आप देखोगे तो कई जगह आपका वो भी बनाते, क्या बोलते हैं, गोबर गैस नहीं बनाते हैं? ठीक है, बायोगैस बोलते हैं जिसको। तो वो आप किसी भी विलेज में सेटअप कर सकते हो, उसकी हेल्प से जो गैस जाएगा और जिसकी वजह से जब आप फ्लेम जलाओगे तो वो ब्लू होता है और वो क्लीन फ्लेम होता है। ठीक है, एंड वो क्लीन फ्लेम अगर आप उस पर खाना बनाते हो तो डेफिनेटली आपका खाना, आपके बर्तन गंदे नहीं होंगे। आप ये सोचो, आपने एक शीशे की ग्लास को कितनी देर मैंने रखा था कि वो ब्लैक हो गया? बहुत जल्दी ब्लैक हो गया था। यानी कि अगर आप ऐसे बर्तन में खाना बनाओ, येलो फ्लेम पे बनाओ, तो बर्तन कितने गंदे होंगे? आई बात समझ में? इसीलिए आपको ब्लू फ्लेम पे बनाना जरूरी है। इज दिस क्लियर? यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये आपको येलो कलर देता है, वो ब्लू कलर देता है, ये वाला डस्टी होता है और वो वाला क्लीन फ्लेम देता है। इज दिस क्लियर? अब इसके बाद आता है बच्चे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की अगर हम बात करें, अब आता है आपका कुछ चेन्स ब्रांच्ड एंड रिंग्स, चेन्स ब्रांचेस एंड रिंग्स, अब हम वो करते हैं। ठीक है, तो लेट अस सी आपका यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं। कार्बन क्या सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ता है? जी नहीं, आपका कार्बन मल्टीपल कार्बन के साथ जुड़ सकता है। ठीक है, तो अब आपका होता क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में आपका एक होता है प्रॉप, अगर आपका सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन अगर वन है तो नंबर ऑफ कार्बन सॉरी प्रॉप कहाँ से आ गया, मेथ होता है, मेथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन वन है तो क्या आएगा बच्चे? मेथ। ठीक है, और अगर टू है तो क्या आता है? एथ। तीन है तो क्या आता है? प्रॉप। चार है तो क्या आता है? ब्यूट। पांच है तो क्या आता है? पेंट। और छह है तो क्या आता है? हेग्स। समझ में आया? ठीक है, अगर सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, अगर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल, तो वो होता है मीथेन,
मीथेन, राइट? डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड. बच्चे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मीथेन, एक कार्बन क्या खुद के साथ ही डबल बॉन्ड बना सकता है? नहीं. तो मेथ में ये दोनों एग्जिस्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट हैव मीथीन, यू कैन नॉट हैव मिथाइन, ये आपके पास नहीं होता, ठीक है? हाँ, ये अगर एथ है, सिंगल बॉन्ड है तो इथेन, डबल बॉन्ड है तो इथीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड है तो इथाइन. अगर आपका सिंगल बॉन्ड है, तीन कार्बन है तो प्रोपेन, डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रोपाइन. ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटीन एंड ब्यूटाइन. ऐसे ही आपका क्या आ जाता है? पेंटेन, पेंटीन और पेंटाइन. ऐसे ही क्या आ जाएगा? हेक्सेन, हेक्सीन एंड हेक्साइन. समझ में आया बच्चे? ये क्या है आपके? कुछ नाम है. आप प्लीज, आप कैसे पता लगाओगे? अच्छा, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है ना बच्चे, प्लीज यहाँ पर ध्यान दो, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केन. इन्हें हम क्या बोलते हैं? एल्केन. जिसमें डबल मतलब आपका, अगर मैंने बोला देयर इज अ एल्केन तो आप समझ जाओ कार्बन के बीच में कौन से बॉन्ड्स हैं. और अगर मैंने बोला एल्कीन, एल्कीन में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होगा, कम से कम एक जगह डबल बॉन्ड होगा. और अगर मैंने बोला एल्काइन, एल्काइन तो क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाएगा. आई बात समझ में? अब यहां पर ध्यान दो प्लीज. जैसे मान लो मुझे बनाना है इथेन, इथेन सी, सिंगल बॉन्ड सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन. कितने कार्बन है? दो. कार्बन कितने हैं? दो. हाइड्रोजन कितने हैं? छह. कार्बन कितने हैं? दो. हाइड्रोजन कितने हैं? छह. ये क्या है आपका? इथेन. इथीन बनाओ, सी डबल बॉन्ड सी, इसमें कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं बच्चे? कार्बन, कार्बन दो, सी टू, और हाइड्रोजन चार. और अगर मैं इथीन बनाऊं तो कार्बन और हाइड्रोजन दो. आई बात समझ में? समझ में आई बात? अब मैं बनाती हूं प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन. चेक करो, वन टू थ्री, तीन कार्बन. अब हर कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए? चार. हर कार्बन पे कितने बॉन्ड होने चाहिए? चार. तो क्या होगा? एक दो तीन चार, इसके पास दो है तो एक दो, फिर एक दो तीन, ठीक है? अब इसमें बताओ कार्बन कितने हैं साजिद? कार्बन कितने हैं? हाइड्रोजन एट, हाइड्रोजन एट. अब इसका बनाते हैं सी, सी सिर्फ. अच्छा, दोनों के साथ डबल बॉन्ड नहीं लगाना, दो जगह डबल बॉन्ड नहीं लगाना, सिर्फ एक जगह लगाना है, क्योंकि आपकी जो सिलेबस में दैट इज ओनली एट वन प्लेस, ठीक है? तो अब ये क्या हो जाएगा? इसके पास एक ही है तो एक दो तीन, इसके पास तीन है ना ऑलरेडी, तो कितना जाएगा? सिर्फ एक. और इसके पास बोलो दो, इस पे कितने जाएंगे? एक दो. इसमें कार्बन कितने हैं जल्दी बोलो? तीन. और हाइड्रोजन? ठीक है, अब मुझे बताओ पहले वाले पे कितने हाइड्रोजन जाएंगे? कार्बन वन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? इस पे, इस पे क्यों दिव्यांश? बच्चे इस पे एक भी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि एक दो तीन चार इसका तो पूरा है. लास्ट वाले पे बोलो एक, एक हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये क्या हो गया? सी थ्री एच एच, एक दो तीन, हाँ ये चार हो गया. एक और बनाते हैं पेंटेन, एक और बनाते हैं पेंट. एक दो तीन चार,
पांच, कितना, एक दो तीन, एक दो एक दो एक दो एक दो तीन, बताओ कितने कार्बन है, पांच है। और हाइड्रोजन बोलो, इसमें हम देखो एक दो तीन चार पांच, और एक जगह कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना दो, एक जगह कहीं पे भी डबल बॉन्ड बना दो। हाइड्रोजन कैसे पूरा करना है, तुम मुझे बताओ कार्बन वन पे कितने हाइड्रोजन जाएंगे, इस पे, इस पे एक, इस पे एक, इस पे एक, इस पे कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन दस। अब प्रोपाइड बनाते हैं, सी 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 सी, और एक जगह क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कहीं पे भी लगा सकते हो। अब कार्बन वन पे बोलो कितने हाइड्रोजन, एक दो तीन, इस पे, इस पे, इस पे, कैसे, एक दो तीन चार, तो इस पे तो आएगा ही नहीं ना बच्चे, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे तो चार पूरे हो चुके हैं ना, तो इस पे एक भी नहीं, इस पे एक भी नहीं, इस पे तीन। अब मुझे बताओ इस पे हाइड्रोजन कितने हैं, अच्छा कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन आठ। क्या कोई जनरल फॉर्मूला है, है। एल्केन्स के लिए जनरल फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू। एल्केन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, सी एन एच टू एन प्लस टू। अब देखो यहाँ पे प्लीज देखो, ये क्या है आपका, ये एल्केन के लिए फॉर्मूला है, ये किसके लिए फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन। अब इधर बताओ इसका जनरल फॉर्मूला, पांच दुनी दस, CnH2n। अभी तो चार नहीं होगा, हाँ CnH2n। इधर बोलो CnH2n माइनस टू, CnH2n माइनस टू, समझ में आई बात। अब मेरे को जनरल फॉर्मूला बताना हो, मान लो हेक्सेन के लिए, हेक्सेन किसका फॉर्मूला बताना है, हेक्सेन यानी कि सी सिक्स सिंगल बॉन्ड है, यानी कि एल्केन है, तो टू एन प्लस टू, यानी कि सिक्स टू जा ट्वेल्व प्लस टू, यानी कि फोर्टीन एच ट्वेल्व, नहीं फोर्टीन एच फोर्टीन। हेलो वेलकम बैक यार, ये समझ में आया क्या, समझ आया क्या, कोई बात नहीं अभी हम समझेंगे, ठीक है। क्या इसे हटा दूं, फोटो चली गई है, ओके इसे हटा देते हैं, ओके। बेटा आप ना सिर्फ इतना याद रखो कि नंबर ऑफ कार्बन अगर एक है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो पांच, और छह है तो याद रख लोगे, आपके स्कूल में 100% 10 तक करवाएंगे, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस सिर्फ छह पे करेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड है तो, सिंगल बॉन्ड है तो, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना है, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, ठीक है। अब मान लो अब आपको बनाना है पेंटाइन, क्या बनाना है, पेंटाइन, एक कार्बन दो तीन चार पांच कार्बन, एक जगह क्या लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो आपने इधर क्या बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड। तुम बताओ दिव्यांश, इसका मैं नंबर दे देती हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव, कार्बन वन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, हाँ कार्बन वन पे एक आएगा, कार्बन टू पे, ध्यान से देखो,
नहीं आएगा। कार्बन थ्री पे, कार्बन फोर पे, कार्बन, तो इसका फॉर्मूला बताओ, कार्बन कितने हैं और हाइड्रोजन कितने हैं? आठ। तो अगर आपको कोई बता दे, अगर आपको कोई बता दे कि ये पेंटाइन है, तो आपको पता है कार्बन कितने हैं? पांच। हाइड्रोजन का ही तो पंगा पड़ता है, ठीक है। फाइव टू सा टेन, माइनस टू, ये है फॉर्मूला। एल्काइन का फॉर्मूला सी एन एच टू एन माइनस टू, मतलब अगर मैं बोलूं, अब आप बताओ मुझे, सी फोर एच टेन, ये एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है? जल्दी बोलो। फोर टू जा एट प्लस टू, फोर टू जा एट प्लस टू, तो ये क्या है? एल्केन। और कार्बन कितने हैं? चार। तो ब्यूटेन, क्या है? ब्यूटेन। समझ रही बात? ये क्या बन गया? ब्यू। और इसका जनरल फॉर्मूला किससे जा रहा है? सी एन एच टू एन प्लस टू। अब मैं बोलूं सी सिक्स एच ट्वेल्व, बताओ सी सिक्स एच ट्वेल्व, ये है एल्कीन। डबल हो गया ना, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ठीक है। और हेग्स है छह का, तो क्या बन गया? हेग्जीन। क्या बन गया? हेग्जीन। अब मुझे आप लोग बताओ, दिव्यांश तुम बताओ मुझे, थोड़ा सा बोलने देते हैं, ठीक है। प्रोपाइन, प्रोपाइन का फॉर्मूला सी, हाँ, और ए हाइड्रोजन, प्रोपाइन सिक्स, थ्री टू जा सिक्स माइनस टू, यानी कि सी फोर होगा, है ना? अब समझ में आया? सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मतलब एल्केन, फॉर्मूला सी एन एच टू एन प्लस टू। डबल बॉन्ड मतलब एल्कीन, फॉर्मूला सी एन एच टू एन। और आयन मतलब एल्काइन, ये क्या बन गया बच्चे आपका? सी एन एच टू एन माइनस टू। समझ में आया? अब आप मुझे बताओ, ठीक है, आपको नाम नहीं बताना, सिर्फ बताना एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। सी सेवन एच सिक्सटीन साजिद, एल्केन। सेवन टू जा फोर्टीन प्लस टू, ठीक है। और अगर मैं यहां पर सी सेवन एच बारह कर दू तो एल काइन, और अगर मैं सी सेवन एच फोर्टीन कर दू तो एल कीन। अब फॉर्मूला समझ में आया? फॉर्मूला समझ में आया? अब पता है सारी चीजें, जिंदगी अच्छी चल रही है, मस्त कट रही है, राइट? ठीक है, साइंटिस्ट की लाइफ अच्छी कटती है कभी? दे आर ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, दे आर ऑलवेज, उनकी लाइफ में दुख ना हो, ये उनकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख होता है, ठीक है। ओके, अब इधर देखो, अब उन्होंने ना एक कंपाउंड पकड़ा, उन्होंने एक कंपाउंड पकड़ा, फॉर्मूला था सी पांच, ऐसे पकड़े या रुक जाओ, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। क्या करते हैं कहानी में? ट्विस्ट लेकर आते हैं, इसे हटाते हैं, पता है ना? आप तो याद हो गया, थोड़ा कहानी में ट्विस्ट। अरे सब होगा बच्चे आपके पास। अब प्लीज देखो, यहां ध्यान दो, साइंटिस्ट ने पकड़ा सी पांच एच दस, साइंटिस्ट ने पकड़ा सी पांच एच दस, क्या है ये? एल्केन, एल्कीन, एल्काइन? ऑब्वियसली क्या है ये? लेकिन जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली चेक करना स्टार्ट करा, बाय गॉड, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं था, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं था, लेकिन ये था फॉर्मूला यही,
यानी कि C5H10। अब ये क्या बदतमीजी हो रही है भाई, समझ ही नहीं आ रहा। ठीक है, अब साइंटिस्ट परेशान, पागल हो रहे भाई। ठीक है, हुआ क्या कि आपका कार्बन, अभी तक हम पेंटेन कैसे बनाते थे, 1 2 3 4 5 और ऐसे जोड़ते थे, राइट, है ना बच्चे। ये वाला थोड़ा चालाक था, ये वाला थोड़ा चालाक था, इसने क्या करा, कार्बन 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 रिंग स्ट्रक्चर बना दिया, लीनियर से क्या बन गया, रिंग बना दिया। भाई किसी के ब्याह में जा रहे हो, लेकिन इसने फिर भी रिंग बना दिया। इज दिस क्लियर? तो अब बताओ इस पे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, अभी हुई दो लगेंगे यार, 1 2 इस पे, C5H10, लेकिन ये पेंटेन, अच्छा ये पेंटीन नहीं है, ये पेंटीन नहीं है, ये है तो पेंटीन, लेकिन ये C5H12 है नहीं। आइडियली क्या होना चाहिए, C5H12, इसको हम बोलते हैं साइक्लोपेंटेन, इसे हम क्या बोलते हैं, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, C5H10। क्या इसमें एक भी डबल बॉन्ड है, क्या इसमें एक भी डबल बॉन्ड है, नहीं, इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है। समझ में आई बात, पक्का? ठीक है, एक और बहुत स्पेशल स्ट्रक्चर होता है बच्चे, एक और बहुत ज्यादा स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं बेंजीन। एक और कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ये इतना ज्यादा स्पेशल होता है ना कि बस मैं क्या बताऊं। देखो प्लीज, इसका सिर्फ स्ट्रक्चर करना है, इसका फॉर्मूला होता है C6H6। इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और माय गॉड रियल लाइफ में उतना ही बर्बाद है, मतलब इसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। ठीक है, सी सी सी, इधर सी इधर सी इधर सी इधर सी, भाई कितना सी यार। ठीक है, इतना सी। अब सुनो सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी तो कहानी शुरू हुई है। ठीक है, सुनो, इधर होता है डबल बॉन्ड, अरे देख लो देख लो, इधर होता है सिंगल, फिर double. फिर सिंगल, फिर यस, दिस इज योर बेंजीन, दिस इज योर बेंजीन। कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि कहानी में अभी हाइड्रोजन तो आया ही नहीं। हाइड्रोजन को आना पड़ेगा या नहीं भाई, हीरो तो वही है ना, नहीं सॉरी मतलब व्हाटएवर यार, चलो हीरोइन ले लो। इस पे कितने हाइड्रोजन जाएंगे, इस पे 6 जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन, हम दो, हमारे दो नहीं, हम छे हम छे हमारे छे, ये कौन है, ये हमारा बेंजीन है। ठीक है, आज की क्लास हमारी खत्म हुई, ओके।